अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन मलाई मखनी हांडी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हमारे पास है 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन के आप 12 से 16 पीसेस करवा सकते हैं। आप अगर बड़ा रखना चाहें तो आप इसके 8 पीस भी रख सकते हैं। दही लिया है हमने 1 पाव, जिसको फेंट लिया था, पानी 1 कप, फटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्ची हमने ली है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्ची 1 टीस्पून, नमक 2 टेस्ट, और यहाँ पर मक्खन मार्जरीन लिया ब्लू बैंड का 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास 1 टेबल स्पून, और क्रीम मैंने ली है 200 ग्राम। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और ऐड करूँगी। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल लेंगे, 3/4 कप ऑयल ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी तो जो हमारी चिकन है वो तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है उसको हम निकाल लेंगे। ये ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। अब हम इसके अंदर 1 कप या 1/2 कप आप पानी डाल दें, इतना कि चिकन जो है हमारी हाफ डन हो जाए। इतनी देर हम इसको पकाने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो जो हमारी चिकन है वो तकरीबन कर चुकी है। अब हमें इसका पानी खुश करना है, लेकिन मैं साथ ही इसमें थोड़ा दही भी ऐड, जो दही था हमारा वो भी ऐड कर देंगे, ताकि सारा पानी जो है एक साथ खुश्क हो जाए। ठीक है, हमने दही ऐड कर दिया। पानी को खुश कर लेंगे जितना भी एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ 1/4 इसमें बाकी रह जाना चाहिए, बाकी सारा खुश्क हो जाना चाहिए। जैसे देखें हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से अब गल गया है, पानी भी जो है खुश्क हो गया है। अब चिकन इसमें नमक डाला है हमने, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मार्जरीन था ब्लू बैंड का या बटर ले लें 100 ग्राम, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। ये सॉल्टेड है तो आपने ख्याल रखना है कि अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें नमक की क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप नमक जितना नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो भी डालेंगे, और नमकीन जो है वो मक्खन भी डालेंगे, तो आपका जो सालन है ना उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हिसाब ये ख्याल रखिएगा कि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, कम डालेगा। ये तो हमने इसमें 200 ग्राम जो आप क्रीम ऐड कर दी है, इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम थोड़ी सी कम लग रही है तो हम इसमें 2 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्रीमी करना है तो आप बेशक इसमें और ज़्यादा क्रीम ऐड कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत है। अब हम इसके अंदर हमने ऑयल निकाला था वो भी ऐड कर देते हैं, मिक्स करेंगे, और हम इसको कवर करके हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि इसका जो ऑयल है और मक्खन है वो ऊपर आ जाए, फिर हम इसको सर्व करेंगे। इसको सर्व करें आप पराठों के साथ, पूरी के साथ, या नान के साथ, कुलचों के साथ। और जब इसको हम सर्व, सालन जो है हमारा वो तैयार हो गया, हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से हम इस पर जूलियन में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसको सर्व करेंगे, थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करेंगे। जी तो उम्मीद है कि हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।